हमने सारे करेले को अंदर से खाली कर दिया है। देखिए दोनों तरफ से मसाला भर गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णो फैमिली में। तो आज की हमारी रेसिपी है भरवा करेले की रेसिपी। तो देखिए हमने ये करेले ले लिए हैं। तो जो लोग करेला खाना पसंद करते हैं पर उनसे खाया नहीं जाता है, तो उन लोगों के लिए है ये स्पेशल रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। भरवा करेला बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है आधा किलो करेला। तो आइए इन्हें हमने पहले से वॉश कर लिया है। अब इसके पीछे का हिस्सा इस तरीके से निकाल दीजिए और करेले को इस तरीके से दो भागों में बांट दीजिए। तो इसी तरीके से सभी करेले को काट लीजिएगा। करेला अगर बड़ा है तो उनके तीन हिस्से कर लीजिएगा। हमने इन सारे करेलों को इस तरीके से काट लिया है। तो आइए अब इन्हें उबालते हैं। करेले उबालने के लिए हमने कढ़ाई में कर लिया है गरम पानी। पानी में डालते हैं 2 चम्मच करीब नमक, जिससे करेले का कड़वापन निकल जाए। पानी में उबाल आ गया है तो इस स्टेज पे डाल देते हैं हम करेले। अब इस तरीके से सभी पीसेस को पानी में डाल दीजिए। तो हमने करेले इसमें डाल दिए हैं। अब इन्हें कम से कम 5 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमने ले लिया है मिक्सी का जार। तो करेले में भरने के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये डाल रहे हैं हम करीब 2 लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसका दरदरा सा पेस्ट बना देते हैं। ये हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनके तैयार है। हमारे करेले को उबलते हुए लगभग 5 मिनट पूरा हो गया है और ये अच्छे से उबल गए हैं। तो आइए अब इनको कढ़ाई में से बाहर निकाल देते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं करेले में भरने के लिए मसाला। तो इसमें हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल लेते हैं सरसों का तेल। तो तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल देते हैं हींग, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच डाल दे रहे हैं जीरा। अब इसमें डाल देते हैं लंबे कटे हुए स्लाइस प्याज के। अब इन प्याज को अच्छे से भून लीजिए। अब डाल रहे हैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भी अच्छे से प्याज के साथ भून लीजिएगा, लहसुन का कच्चापन दूर होने तक। लगभग इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिएगा। अब डाल देते हैं इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर जल्दी से गल जाए इसके लिए हम डाल रहे हैं यहाँ स्वादानुसार नमक। नमक को इस मसाले में अच्छे से मिला लीजिए। तो ये हमारा टमाटर प्याज अदरक लहसुन का मसाला बनके तैयार है। आइए अब इसमें डालते हैं सूखे मसाले। इसमें डाल रहे हैं मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच ले रहे हैं यहाँ पर धनिया पाउडर। तो इस तरीके से मसालों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। खटाई के लिए इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इसमें मिला रहे हैं उबले हुए आलू। तो इस तरीके से लास्ट में इसमें उबले हुए आलू मिला लेने हैं। आलू को भी 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। तो ये हमारा भरने के लिए मसाला बनके तैयार है। तो अब इसे ठंडा कर लेते हैं और गैस की आंच को बंद कर देते हैं। हमारे करेले ठंडे हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो आइए अब इनके अंदर से इनके बीज निकाल देते हैं। तो इस तरीके से चाकू लेके
चाकू की सहायता से आप इस करेले को खाली कर दीजिए। तो इसी तरीके से सभी करेले खाली कर देंगे। लीजिए, हमने सारे करेले को अंदर से खाली कर दिया है। तो इस तरीके से इसके सारे बीज को चाकू या किसी चम्मच की सहायता से आप निकाल दीजिए। तो आइए अब भरते हैं इसमें मसाला। लीजिए, अब इन करेलों में भर लेते हैं अपना मसाला जो हमने बनाया था। तो इस तरीके से मसाले को करेलों के अंदर भर दीजिएगा। तरीके से एक एक करके सभी करेलों में ये मसाला अच्छे से भर दीजिए। दोनों तरफ से डाल दीजिए। ये हमारे करेलों में मसाला भर के तैयार है। देखिए, दोनों तरफ से मसाला भर गया है। हमारे सारे करेले भर के तैयार हैं। देखिए, हमने इन्हें आगे पीछे दोनों तरफ से भर दिया है। आइए, चलो अब तलते हैं इनको। करेले तलने के लिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। गैस की आंच को कम कर दीजिएगा और एक एक करके इसमें करेले डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से एक बार में जितने आपकी कढ़ाई में आ जाए उतने करेले डाल दीजिए। तो करेले तरीके से उलट पलट के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से करेलों को उलट पलट के शैलो फ्राई करना है। करेले को उलट पलट के दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। देखिए, इसका रंग बदल गया है। इसका मतलब ये तल के तैयार है। आइए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा बैच बनके भी तैयार है। इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। हमारे भरवा करेले बनके तैयार है। और आपको हमारे इन भरवा करेलों की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।